नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी पर। और आज हम लोग क्लास नाइन्थ का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। 2.2 तक पिछले क्लासेस में हो गया है, तो आज हम पढ़ेंगे 2.3 को। अच्छा, इसमें भाग देना है और भाग देके हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो ये करने के दो तरीके हैं, एक भाग विधि द्वारा और एक शेषफल विधि द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा। तो मैं आपको बताऊंगा शेषफल विधि द्वारा, बहुत छोटे छोटे में हो जाएगा और आप समझने की कोशिश करेंगे एक बार, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज के लिए ये, तो इसको आप समझें अच्छे तरीकों से। तो एफ एक्स का मान पहला दिया हुआ है एक्स क्यूब 3x² + 3x + 1 ऐसे दिया हुआ है, और कह रहा है निम्नलिखित से भाग देने पर, और पांच क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे, कह रहा है भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम लोग पहला नंबर देखते हैं, इसमें x + 1 दिया हुआ है और कह रहा है इससे भाग दीजिए इसमें और बताइए कि शेषफल क्या होगा। तो हम लोग जो भी दिया है इसको जीरो के बराबर करेंगे और x का मान निकालेंगे, तो +1 उधर जाएगा, तो -1 रखेंगे यहाँ पे, तो f -1 यहाँ भी रखेंगे, -1³ + 3 × -1² + 3 × -1 और +1। देखिये माइनस का क्यूब याद रखेंगे पावर 1, 3, 5, 7 के रूप में पावर होगी, मतलब विषम संख्या का पावर, तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक। और यही चीज माइनस में पावर 2, 4, 6 हो, सम संख्या का पावर, इवन नंबर कहते हैं, तो यह हमेशा प्लस में होगा। तो 2, 4, 6 का पावर होगा तो आप समझ जाएंगे कि प्लस में होगा, 1, 3, 5, 7 का होगा तो हमेशा माइनस में होगा। देखिए जैसे यहाँ 3 पावर है तो क्या आएगा, माइनस, 1³ = 1 + 3, और यहाँ देखिए 2 पावर है तो ये तो प्लस में ही रहेगा, 1² = 1, और ये प्लस और माइनस का गुणा होगा, जब भी विपरीत चिन्हों का गुणा होगा हमेशा माइनस आता है, और 3 * 3 लिख देंगे और +1, तो यहाँ देखिए +1 - 1 कट गया और 3 * 3 हो गया, और ये वाला -3, 3 से 3 कट गया तो कितना गया, 0। तो मान रखने पर कितना जा रहा है, 0, f -1। तो यही होता है शेषफल, इसलिए जो लास्ट में आएगा वही शेषफल होता है, रिमाइंडर कहते हैं, इसलिए शेषफल बराबर 0। इतना नोट करिए, समझिए आराम से, पहले एक और बताते हैं। अब अगला दूसरा नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूसरा नंबर दिया है कि x - 1/2, तो जो भी दिया इसको जीरो रख देना है तुरंत, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 1/2, अब 1/2 रख देंगे यहाँ पे, तो यह 1/2 = 1/3 × 1/2² + 3 × 1/2 + 1। देखिए 1³ = 1 ही होगा, और 2³, 2³ मतलब 3 पावर है तो 8, ऐसे 2 × 4 × 8 बनेगा ना, 2, 4, 8, 6 मत कर दीजिएगा वरना गलत हो जाएगा, +3, 1² = 1 और 2² = 4, 3 * 3 हो जाएगा और बटे में 2 + 1। तो देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे हम लोग, 4, 8, 2 का तो 8 हो जाएगा, 8 * 8 एक बार गया तो 1 * 1 यहाँ 4² 2 बार, 3 × 6 = 6, यहाँ पे देखिए 2 से 3 बार में हो रहा है, 2 से 4 बार में, 2 * 4 = 8, तो 4 से 4 = 12, और यहाँ कुछ नहीं है तो हर का डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, मतलब जो भी नीचे वाला सेक्शन है, तो 8 * 8 = 8, अब इसको जोड़ देते हैं तो 12 * 8 = 20, अब 20 * 7 = 27, तो 27/8 आ गया, ये मान आ गया f 1/2 का, तो लिख देंगे, इसलिए शेषफल जो होगा, शेषफल ये होगा 27/8, ये हो गया, इसको नोट कर लीजिए और समझिए। चलिए अब मिटाते हैं इसको। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, तीन क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x, तो जो भी दिया था जीरो के बराबर रख रहे थे, यहाँ x का मान जीरो हो गया, यहाँ जीरो रखेंगे, 0, 0 हो जाएगा पूरा, तो यहाँ 0, x का मान यहाँ पे 0³। अब आप कहेंगे सर 0 क्यों रख दिए, तो पिछले क्लास में x + 2 था मान लीजिए, ऐसे पिछले वाले क्वेश्चनों में, तो जो भी था जीरो रख रहे थे, यहाँ x का मान निकाल रहे थे -2, तो यहाँ कुछ जुड़ा घटा था तो आ रहा था, यहाँ कुछ भी जुड़ा घटा नहीं है तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ रखेंगे तो 3 × 0² + 3 × 0 + 1, देखिए 0³ = 0, 0² = 0 और गुणा होगा तो 0, 3 * 0 तो कुल मिला के 1 आ गया,
तो ये हो गया f0 की वैल्यू, तो हम लिख देंगे इसलिए शेषफल जो होगा, शेषफल वो एक होगा, यही पूछा था, शेषफल बताइए। और देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन इसका, चौथा दिया हुआ है x प्लस पाई, ये लिखा हुआ है, तो जो भी लिखा है जीरो के बराबर रखना है तुरंत, और x का मान निकालना है, प्लस पाई ये उधर जाएगा तो माइनस पाई हो जाएगा, माइनस पाई यहां रखेंगे सब में, तो ये हो जाएगा f माइनस पाई, और यहां पे माइनस पाई का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस पाई का होल स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस पाई और प्लस वन, जहां जहां एक्स था सब जगह पाई पाई रख दिया गया माइनस में, तो अभी बताए हैं माइनस का क्यूब हमेशा माइनस, और पाई का क्यूब पाई क्यूब, और प्लस थ्री आई स्क्वायर होगा, दो चार छह का पावर रहेगा तो प्लस में हमेशा, तो ये क्या हो गया पाई स्क्वायर, अब प्लस माइनस से गुणा हुआ तो माइनस थ्री पाई और प्लस वन, ये हो गया एफ माइनस पाई की वैल्यू, इसलिए हम कह देंगे जो आएगा तो यही आया है, तो शेषफल बराबर इतना ही लिख देंगे पूरा, माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई और प्लस वन, ये हो गया, इतना नोट करिए जब तक मैं आंसर मिलाऊं। ठीक आया हुआ है, हम मिटाता है इसको, मिटा रहे, अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दिया हुआ है, फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि 5 प्लस टू एक्स, तो जो भी दिया है तुरंत जीरो रखेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, ये 5 प्लस का है, आगे क्या है उससे मतलब होता है, तो आगे कुछ नहीं तो प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, और ये दो गुणे में है तो भाग में हो जाएगा, यही मान रख देंगे, तो एफ माइनस फाइव बाई टू इक्व टू माइनस फाइव अपॉन टू का होल क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस फाइव अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री माइनस फाइव अपॉन टू और प्लस का वन। देखिए माइनस का क्यूब तो माइनस ही रहेगा, पांच का क्यूब 125 और बटे में आठ हो जाएगा, दो का क्यूब आठ प्लस तीन और पांच का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और माइनस का स्क्वायर प्लस और दो का स्क्वायर चार, यहां से देखिए प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, पांच तय 15 और बटे दो प्लस एक, अब इसको ऐसे ही लिखते हैं माइनस 125 बटे आठ और ये 25 तय 75 हो जाएगा, 75 बटे चार माइनस 15 बटे दो और प्लस एक, पिछले सवाल की तरह ये भी बन गया 8 4 2 एलसीएम लेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 कम है 8 तो ऊपर वाला उतार लेंगे, माइनस 125 प्लस 4 से दो बार में होगा तो 2 का 75 से गुणा तो 150 हो जाएगा, माइनस 2 से 4 बार में होगा तो 4 से 15 चौके 60 हो जाएगा और 8 का गुणा कर देंगे, 8 कम है 8 ये बन गया, तो ये माइनस है ये माइनस है तो माइनस माइनस वाला समान चिन्ह होगा तो जोड़ लेंगे एक तरफ वही चिन्ह लगा लेंगे, तो माइनस 0 और 5 तो 5 6 2 8 मतलब 185 हो गया और प्लस ये 50 100 और 8 तो 158 और वही चिन्ह लगा देंगे, प्लस का है तो ये दोनों प्लस है तो प्लस लगा दिए, ये दोनों माइनस है तो माइनस और 8, जब भी विपरीत चिन्ह होगा तो घटा देते हैं, जब भी यहां देखिए प्लस माइनस है तो घटा देंगे और घटाने के बाद लिखेंगे, तो देखिए 185 बड़ा है इसे घटाएं तो 5 से मतलब 15 से 8 घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, यहां 7 से घटा देंगे तो 2 हो जाएगा और 1 से 1 0 और बटे में 8 और बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस, तो ये किसकी वैल्यू हो गया एफ माइनस 5 बटा 2 की ये वैल्यू हो गई, तो जो भी आता है वही लिखते हैं, इसलिए जो शेषफल होगा शेषफल वो क्या लिख देंगे माइनस 27 बटे 8, इसको नोट करें आप लोग एक बार और समझिए। चलिए मिटाते हैं इसको और पहला पूरी तरह कंप्लीट हो गया, अब आपसे पूछा जाएगा ये कौन सा मेथड है, तो आप बताएंगे ये शेषफल प्रमेय विधि द्वारा हुआ है, शेषफल प्रमेय विधि के द्वारा इस सवाल को हम लोग किए हैं और आगे भी कर रहे हैं, दूसरा नंबर भी वैसे ही दिया हुआ है, एक दे दिया, मान लेते हैं कि एफ एक्स के बराबर है, एक इक्वेशन है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, और कह रहा है कि x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो x माइनस ए से भाग देना है तो x माइनस ए से हम भाग दे रहे हैं, पिछले सवाल में ऐसे दिया हुआ था तो हम क्या कर रहे थे जीरो के बराबर कर रहे थे, माइनस ए उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस ए, और यही रख देंगे यहाँ पे, तो एफ ए बराबर यहाँ रखेंगे तो ए क्यू एक्स की जगह ए रख दिया गया,
और a इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए और माइनस a. देखो a का क्यूब a क्यूब ही रहेगा और माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर और a, तो ये a क्यूब हो जाएगा और प्लस 6 का a में तो 6a और ये वाला माइनस a, तो ये वाला तो कट गया और ये घट गया तो 5a हो गया. x का मान a रखने पर ये आ रहा है 5a. क्वेश्चन वाले कह रहे थे शेषफल बताइए, तो जो आता है वही शेषफल होता है, इसलिए शेषफल बराबर 5a. ये हो गया हमारा आंसर, इसको एक बार नोट करें आप लोग. चलिए मिटाते हैं. तीसरा नंबर भी ऐसे ही है, कह रहा है जांच कीजिए कि ऐसे दिया हुआ है 7 + 3x और लिखा है 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है. गुणनखंड कब होगा, जो हम इससे भाग दें और जीरो आ जाए शेषफल, तो ये गुणनखंड हो जाएगा, और जीरो नहीं आएगा शेषफल तो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा. यही हमें चेक करना है, तो इसको मान लेते हैं fx के बराबर. ये fx के बराबर मान लेते हैं इसको 3x³ + 7x, ये मान लिया हमने, और इसको जीरो के बराबर 7 + 3x = 0. तो x का मान ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस, ये गुणे में है तो भाग में, तो 7/3 रख देंगे उसी में, 7/3 इसमें रखेंगे तो यह -7/3 और यहां भी रख दिया जाए 3 और गुणे -7/3 और का इसका क्या है होल क्यूब और प्लस 7 × -7/3, मतलब x जहां जहां है इसमें वहां पे रखना है 7/3 और क्यूब था तो क्यूब लिख दिया, यहां पावर नहीं है तो नहीं. तो देखो 3 माइनस का क्यूब तो हमेशा माइनस और 7 का क्यूब तो 7 × 7 = 49 और 7 × 9 = 63 3 × 4 और 7 × 7 = 28 और 6 = 43 34 हो गया 343 और 3³ = 27 ये बन गया और प्लस माइनस से गुणा होगा तो -49/3 3 से काट देंगे 9 बार में तो ये आ गया -343 और बटे 9 और ये हो गया -49/3. देखिए इसके बाद से ये 9³ × 9 हो जाएगा, 9 है तो 9 × 9 तो ऊपर वाला उतार लेंगे, जब भी हर बराबर हो तो ऊपर वाला उतार लेते हैं, या वैसे भी 9³ एक बार जा रहा है 1 से गुणा हुआ तो आ गया -3 × 3 बार होगा 3 का गुणा, 3 से करेंगे इसका गुणा तो 9³ = 27 अब 12 और 2 = 14 ये बन गया. अब दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ देंगे, तो यहाँ जोड़िए 3 × 7 = 10, 8 + 1 = 9 और यहाँ 4 ये हो गया -490/9 ये हो गया -7/3 की वैल्यू. तो ये जीरो नहीं आया ना, जब ये जीरो नहीं आया तो लिखेंगे अतः 7x + 3x इतने का गुणनखंड नहीं है, तो लिख देते हैं वही स्पष्टीकरण नीचे आप लोग लिखिएगा, अतः 7 + 3x इसका 3x³ और प्लस 7x का एक गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड नहीं है, ये हमने बता दिया. कर था जांच कीजिए, अब एक बार कैलकुलेशन एक बार में डाल लीजिएगा आप लोग, कहीं से कुछ अशुद्धि होगी तो बना लीजिएगा. और चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, अब मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में आपसे.